खबरनामे के साथ मैं हूं जुहुर लोला। नाज़रीन खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। अखनूर में तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी। मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद चला सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली, मुख्तलिफ इलाकों में तूफान और बारिशें। हज 2024 317 आसमीन को लेकर आखिरी परवाज श्रीनगर पहुंची। जम्मू कश्मीर के 11 आसमीन हज के दौरान हीट स्ट्रोक से लुक में आज। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत एहतराम के साथ जारी। 3 लाख के करीब यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सुरेश को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की। जस्टिस एन कोटेश्वर को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी अबूरी जमानत। महाराष्ट्र में शदीद बारिश, मुंबई में सड़कें जेर आब, मजीद तेज बारिश का इम्कान, रेड अलर्ट जारी। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग से 2 बसें दरिया में बह गई, 60 से ज्यादा मुसाफिर लापता, बचाव कार्रवाइयां जारी। कोरोना से दुनिया भर में अब भी हर हफ्ते 1700 अमवात, मोहतात रहने की जरूरत WHO। हिंदुस्तान का श्रीलंका दौरा 26 जुलाई से होगा शुरू। 1 अगस्त से खेली जाएगी गंभीर की सरबराही में वनडे सीरीज। सुर्खियों के बाद खबरें तफसलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे, और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अबूरी जमानत दे दी है और अब ये केस लार्जर बेंच को सुपर्द किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पे अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत दे दी है। फिलहाल ये केस लार्जर बेंच के सुपर्द किया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरखास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने उनका केस अब लार्जर बेंच को भेज दिया है। केजरीवाल उस वक्त तक जमानत पर रहेंगे जब तक बड़ी बेंच इस मामले की समाअत नहीं करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में केजरीवाल को अबूरी जमानत देते हुए इस बात का मुशाहिदा किया कि अरविंद केजरीवाल 90 दिन की कैद काट चुके हैं और वो एक मुंतखब लीडर है। इसलिए अब बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अबूरी जमानत दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। तहम 25 जून को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के हुक्म पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद 26 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत दे दी है। सीधा दिल्ली चलेंगे, गुलिस्तान नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा। बड़ी राहत आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी जमानत दी है। बिल्कुल, देखिए जरूर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत जरूर मिली है, लेकिन ये पूरा मामला अब बड़ी बेंच को चला गया और इस पूरे मामले को लेकर के अब, चूंकि ये देखिए इस मामले को थोड़ा समझना होगा, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर थे तो उस वक्त सीबीआई की तरफ से पीएमएलए कोर्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। हालांकि ये पूरा मामला कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री काफी दिनों से लगभग ईडी और सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसियों के रडार पर हैं। लेकिन आज जब उनको जमानत हुई तो वहीं दिल्ली के अंदर बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी और प्रोटेस्ट दिल्ली में बिजली पानी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने को लेकर के किया जा रहा था। यानी एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था। हालांकि उन्हें जमानत मिली है, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। बीजेपी से जुड़े तमाम जो लीडर और कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी कुछ हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। राजू जी, गुरु जी, क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री को अंतिम जमानत मिली है, आप लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हो, क्या लगता है ये मांग जायज है? चुने हुए नुमाइंदा है वो, उन्हें जनता ने चुना है। देखिए, जनता
धोखे का ठगी का शिकार हुई है। जितने वादे किए थे इसने, झूठ के पुलिंदे बांधे थे, आज जनता चारों तरफ त्राही माम कर रही है। बिजली पानी को लेकर के जनता सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है भारी दिल्ली में। मैं कहता हूँ कल ही की बात है, मुनक नहर टूट गई, पूरे बवाड़ा क्षेत्र पानी से जलमग्न है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी राहत दी ना, फिर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की वजह से सब कुछ हो रहा है। बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो इन्होंने घोटाला किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। तमाम स्वतंत्र एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी और हमारी जितनी सुरक्षा एजेंसी है कोई बदले की भावना से और कोई दबाव में काम नहीं करती। जरूर यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाऊं, जहां एक तरफ दिल्ली के अंदर बिजली पानी को लेकर के प्रदर्शन हो रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग हो रही थी, वहीं तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आज सुबह से दिल्ली में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली के आईटीओ चौक पर बड़ी तादाद में आज इकट्ठा हो गए हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री को राहत मिली हो, लेकिन फिर भी बीजेपी ये चाह रही है कि इस वक्त मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन पर आरोप लगाए गए हैं और सीबीआई ने उनको आरोपों में कहीं ना कहीं बुक किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि एक तरफ से जहां अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिली है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। चलिए दिल्ली के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू के अखनूर में इस वक्त सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। अखनूर का इलाका जहां पे मुश्तबा अफराद को देखा गया, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई जो है वो मजीद तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है, ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर इस वक्त जो अखनूर का इलाका है वहां पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। सिक्योरिटी फोर्स के मजीद अहलकारों को इलाके में तैनात किया गया है और इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा है, क्योंकि रात देर गए बताया जा रहा है कि कुछ मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत को देखा गया था, जिसके बाद आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई मजीद तेज कर दी है। यह तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है और तमाम दाखिले और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सीधा अखनूर चलेंगे, शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा, सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ ताजा तफसील है? आपको बता दें कि जिस प्रकार से समय सर्चेशन जारी है और बीती रात को एक संदिग्ध को देखे जाने पर स्थानीय निवासी ने एक संदिग्ध को देखा, जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस को इत्तला की और बीती रात को भी ये सर्च ऑपरेशन उस इलाके में जारी था और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है। तैनात सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये ज्वाइंटली ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, जो वो इलाका है उसे खंगाला जा रहा है, छोटे से बड़े वस्तु को यहाँ पर जो है वो भारतीय सेना खंगालते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ जो अखनूर का पुराना उसको भी बंद कर दिया गया है, किसी प्रकार की कोई भी वाहन की आवाजाही उस पुल से नहीं हो रही है, वाहन की आवाजाही को बंद कर दिया गया है और बैरिकेड वहां पर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से यानी कि चप्पे चप्पे को इस समय वहां पर खंगाला जा रहा है। शिल्पा क्या यह भी पता चल पाया कि ये जो सस्पेक्ट मूवमेंट देखी गई, सस्पिशियस लोग देखे गए, कौन ये लोग थे और कितने लोग थे, इस बारे से कोई अपडेट? देखिए फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं है, क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जो संदिग्ध स्थानीय निवासियों के द्वारा देखा गया है, क्या वो आतंकवादी है या फिर कोई क्यों है, फिलहाल कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अभी भी सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है और साथ ही साथ इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है, ड्रोन की मदद से इलाके पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है, ताकि उस संदिग्ध को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो ढूंढा जा सके। चलिए बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। शिल्पा आप हमारे साथ बने रहेगा, अगली खबर पर दोबारा आप तफसलात लेंगे। फिलहाल अखनूर में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन फिलहाल जारी है, बारीक बीनी से गाड़ियों और की तलाशी ली जा रही है और बताया जा रहा है कि मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखी गई, जिसके बाद ये तलाशी ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है।
बात मौसम के हवाले से करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। जम्मू में मॉनसून का असर इस वक्त देखा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो रही है जबकि कई इलाकों में तूफान भी देखा गया। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस लिया। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं मौसम के हवाले से कि जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली देखी जा रही है क्योंकि जम्मू में जो है मॉनसून ने दस्तक दी है और इस हवाले से कई इलाकों में इस वक्त बारिशें हो रही है जबकि कई इलाकों में आज सुबह तूफान भी देखा गया। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि कई इलाकों में जो है हल्की बारिशें हुई हैं, सुबह जो है तूफान भी देखा गया और जिसकी वजह से अंधेरा छा गया और लोगों को गाड़ियों की लाइटें जो है वो ऑन करनी पड़ी। तमाम इस वक्त भी मौसम अब्र आलूद है और कहीं ना कहीं लोगों ने जो गर्मी थी उससे राहत की सांस ली है। लगातार दर्ज हरारत बढ़ रहा था, लोगों की मुश्किलात बढ़ गई थी, तहम अब कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि जम्मू में हल्की बारिशें हुई है और मौसम अब्र आलूद है, इम्कान है कि मजीद बारिशें होंगी। मजीद बातचीत करेंगे इस पर शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, मौसम में अचानक तब्दीली देखी गई, बारिशें हुई, क्या कुछ अपडेट है? मौसम परिवर्तन है, इससे पहले काफी ज्यादा जम्मू की आम जनता को जो है वो गर्मी का आभास हो रहा था और अब जम्मू की आम जनता को, जम्मू कश्मीर की आम जनता को एक रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रही है क्योंकि देखिए इस समय बारिश जो है वो बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिली, हालांकि हल्की बारिश हो रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी, आप देखिए यहाँ पर जब भी बारिश जो है वो पड़ती है, मानसून जब आता है तो कहीं ना कहीं पानी जो है वो सड़कों पर जमा हो जाता है और जम्मू स्मार्ट सिटी की एक टोल भी जो है वो खोलते हुए नजर आता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूँ की सुबह सवेरे में तूफान देखने को मिला जहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी, तूफान जो है वो चल रहा था और जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा ये साफ तौर पर कहना है कि 17 तारीख तक जो है वो भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन की बात करें तो वहाँ पर जो है वो भारी बारिश की संभावना जो है वो आज के दिन जताई गई है और साथ ही साथ शूटिंग स्टॉन, मडस्लाइड, थंडर स्टॉवर जिसकी संभावना भी जताई गई है। अलग अलग इलाकों में जो है वो शूटिंग स्टॉन भी हो सकते हैं, वो पहाड़ी इलाके जहाँ पर यानी कि जिस प्रकार से जब भी बारिश होती है तो शूटिंग स्टॉन यानी कि पत्थर गिरते हैं तो वहाँ पर जो है वो शूटिंग स्टॉन होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस समय बारिश की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी इस समय हो रही है और आज दिन भर मौसम जो है यानी कि बारिश का सिलसिला दिन भर रहेगा। भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है और 25 डिग्री इस समय तापमान है और जम्मू की आम जनता बेहद ही खुश नजर आ रही है क्योंकि लगातार वो बारिशों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कम बारिश आएगी और एक राहत जो है वो जम्मू की आम जनता को मिलेगी। मौसम का ये महकमा मौसमियात का क्या कुछ कहना है कि कब तक बारिशें लगातार होंगी? मौसम विभाग के द्वारा ये जानकारी दी है कि 17 तारीख तक बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, कई हिस्सों में जो है वो देखने को मिलेगी। भारी बारिश जो है वो पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में होगी जहाँ पर ये भी हिदायत दी गई है कि जब भी वो घर से सफर करें तो एक बार नेशनल हाईवे का आप जरूर ले लें क्योंकि मडस्लाइड होने का जो है वो खतरा रहता है। तो 17 तारीख तक जो है वो मौसम में काफी ज्यादा बदलाव होगा, मौसम जो है वो काफी ज्यादा करवट लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। शिल्पा शर्मा तफसलात फराम कर रही थी जम्मू से और बता रही थी कि जम्मू में हल्की बारिशें हुई हैं और मौसम अब्र आलूद है और इम्कान है कि मजीद बारिशें होंगी। तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसके बाद लोगों ने भी गर्मी से राहत की सांस ली है क्योंकि लगातार 43-44 का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता था लेकिन अब हल्की बारिशें हुई हैं जिस वजह से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम के साथ जारी है और आज और एक काफिला भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से वादी कश्मीर की ओर रवाना हुआ। वहीं बालतल और डनवन बेस कैंप से यात्रियों का गुफा की ओर रवाना होने का सिलसिला भी जारी है और अब तक करीबन 3 लाख अमरनाथ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। इधर गांधरबल के बालतल बेस कैंप में जो कि यात्रियों का मरकज इस वक्त बना हुआ है क्योंकि हज़ारों की तादाद में यात्री वहां पे ठहरते हैं और वहां पे तमाम तर सहूलियात यात्रियों के लिए मैसर रखे गए हैं, मुतद्दिद लंगर ज़ायरीनों के लिए रखे गए हैं और लंगर सखावत यात्रियों को मुफ्त खाना फराहम करते हैं और अमरनाथ यात्रियों ने इस वाले से लंगर के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया।
नाम नेताजी द्विवेदी है और मैं हमारा जो ग्रुप है महाशक्ति ऑर्गेनाइजेशन भोपाल से आई हूँ। मैं मेरे साथ बहुत से लोग आए हुए हैं और हम बराबर 11 साल से आ रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो हमने 4 बार यात्रा पहलगाम से की है और बाकी यात्राएं हम बालटाल से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो भंडारे जो मिलते हैं, तो यहाँ रेल पटरी पे जो मुरादाबाद का भंडारा मिलता है ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सभी प्रकार के जो खाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भंडारे के नाम पे जो लोग भंडारा कराते हैं तो हो सकता है कि जो तेल घी यूज करते हो तो पुराना है या कुछ है, मगर आप एक बार यहाँ आके देखेंगे अगर तो आपको बिल्कुल प्योर घी में लड्डू मिलेंगे, प्योर घी की आपको खीर मिलेगी, केसर दूध वगैरह, मतलब आपको बहुत ही अच्छा सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। और मैं चाहती हूँ यहाँ पे सभी यात्री आए, रुके, ठहरे और भंडारे के लिए जो भी सहयोग हो और दिल खोल के करें। हम लोग करीबन 25 शिव भक्त भोपाल मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। हम लोगों ने अपनी यात्रा बालटाल बेस कैंप से शुरू की थी और हम लोग दर्शन करके आज बालटाल पवित्र गुफा के आज वापस नीचे जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद के भंडारे में। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराना भंडारा है। यहाँ पर रुकने की, भोजन की और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाती हैं और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हुए जाते हैं पवित्र गुफा के। जब दर्शन करके आते हैं रेल पटरी के नीचे ये भंडारा पड़ता है मुरादाबाद का, बहुत अच्छा भंडारा है। नाम पारस टंडन है, मैं श्री भोले भंडारी सेवा मंडल से के प्रांगण में जो भंडारा चल रहा है उसमें सभी यात्रियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और श्री भोले भंडारी सेवा मंडल सभी यात्रियों की यात्रा का मंगल कामना करता है और सभी से अनुरोध करता है कि नाज़रीन खबरनामा जारी है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हाजी साहिबान की करेंगे, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हाजी साहिबान का आखिरी काफिला जो है वो श्रीनगर वापस पहुंच चुका है। इमसाल जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 11 आजमीन मुकदस फरीजे की अदायगी के दौरान हीट स्ट्रोक की वजह से लुकमे अजल भी बन गए थे। तमाम आखिरी परवाज 317 आजमीन को लेकर आज सुबह श्रीनगर के बैन अवी हवाई अड्डे पर पहुंची। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के मुताबिक आजमीन का आखिरी काफिला आज सुबह श्रीनगर जो है वो वापस पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा कि दो हाजी साहिबान अभी सऊदी अरब में हैं क्योंकि एक हाजी अभी अस्पताल में जेर इलाज है, दूसरा उसका खामद वहां पे उसके साथ है। आपको बता दें कि रवान साल जम्मू कश्मीर से कुल 7008 आजमीन ने मुकदस सफ़र किया, हज बैतुल्ला किया, तहम उनमें से 11 हीट स्ट्रोक की वजह से चल बसे। उन्होंने मजीद कहा कि 317 आजमीन पर मुश्तमिल आखिरी परवाज आज सुबह श्रीनगर के बैन अवी हवाई अड्डे पर उतरी। असल में ये परवाज कल पहुंचनी थी, तहम कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये परवाज मनसूख हुई, तहम आज सुबह ये दोबारा शेड्यूल हुई और आज सुबह आखिरी परवाज श्रीनगर पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिमना ने जीएमसी और एसोसिएटेड अस्पताल श्रीनगर के इश्तराक से ऑडिटोरियम जीएमसी बिमना में खून के अतीय कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान तकरीबन 45 तालिबे इल्मों ने खून का अतिया पेश किया और उन्होंने दीगर लोगों से भी अपील की कि वो अपना खून अतिया करें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके। देखिए, ये प्रोग्राम जो हम आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप इन कोलैबोरेशन विद ब्लड बैंक ऑफ एसएमएचएस हॉस्पिटल बाय ऑर्गेनाइज बाय द एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स इन विच 45 स्टूडेंट्स हैव सो फार, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, 45 स्टूडेंट्स ने ब्लड डोनेट किया है। ये हमारी तरफ से, कॉलेज की तरफ से एक इनिशिएटिव जाता है जहाँ पर हम कहेंगे दैट वी आर सर्विंग द कम्युनिटी, वी आर हेल्पिंग सेव लाइव्स बाय दिस एंडीवर एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हमारे बच्चों को इस सोशल कमिटमेंट की ओर रागिब किया जाता है ताकि वो भी आगे अच्छे सिटीजन्स कंट्री के बने। ब्लड डोनेशन इज़ पार्ट ऑफ आवर कॉलेज इनिशिएटिव, ये हर साल हम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। Blood donation is an essential part of any healthy living human being. अगर हर एक कोई ऐसे ही blood donate करता रहेगा तो कितनी ही जाने पूरी country में, पूरी दुनिया में बच सकती हैं, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया भर में लोग ढूंढते रहते हैं कि हमें इस ग्रुप का, अगर हमारे पास
वॉलंटरली सब बच्चे, और ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है, इसमें कोई ये नहीं है, जो भी एक हेल्दी इंडिविजुअल होगा वो ब्लड डोनेट कर सकता है और विद इन अ स्पैन ऑफ 2.5 मंथ्स इट इज रिकूप्ड, सो इट इज एन गुड इनिशिएटिव एनी हेल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि डोडा के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि 2017 में हिम्बल ता डोनाई रोड तकरीबन 10 किलोमीटर सड़क जो है उस पर अगर से काम शुरू किया गया था, ताहम अभी भी ये सड़क नामुकम्मल है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कहा कि अगर चीज शिकायत कई बार इंतजाम की जानिब तक उनके पास भी पहुँचाई गई, ताहम इस इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। मेरी उम्र लगभग 75 के ऊपर है, तो 17 से शुरू हुआ काम सड़क का, लेकिन अभी डामाडोली है, इसको थोड़े तक अच्छा है, बाकी ऐसा रोड है जिसमें चलना भी मुश्किल है। तो क्या अपील करेंगे गवर्नर साहब? मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि हमारे इस रोड की तरफ तो कुछ देखा जाए ताकि हम भी कुछ ठंडा सांस ले सकें। कोई बीमार हो जाए आपके गांव तो में? बीमार हो जाए हमारे गांव में तो हमें यहाँ से पालकी में उठाकर 10 किलोमीटर लेना पड़ता है। सर उसकी वजह यही है कि जो रोड 2017 में सेंक्शन हुई थी, काम तो दस्ती से लगाया हुआ था उन्होंने, लेकिन एक साल तक काम तो अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने काम को रोक दिया, बीच बीच में काम करते रहे और आखिरकार उनको यहाँ से चले गए। तो फिर हम कई बार डीसी साहब के पास गए गुजारिश लेकर कि हमारी रोड जो है वो अनकम्प्लीट क्यों है, उसको उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जल्द काम लगेगा, लेकिन काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, ना तो काम लगा और ना तो काम लगा रहे हैं। जो भी कस्बा त्राल के महकमे आर एंड बी मुलाजमीन कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि कभी महकमा किसी जगह पे किराए पे दफ्तर लेती है तो किसी और जगह, जिसकी वजह से लोगों के साथ साथ ठेकेदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर महकमे ने अब अपना दफ्तर मिनी सेक्रेटरीट के सहन में एक कमरे में शिफ्ट किया है, जिसे आम लोगों में गुस्सा देखा गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि महकमा आर एंड बी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लेती है, लेकिन खुद के लिए बैठने की जगह नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर मिनी सेक्रेटरीट को ही तैयार किया जाए तो लोगों के साथ साथ महकमे के मुलाजमीन को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने सरकार से मुदाखलत की अपील की है। एक चीज बोलूंगा, आर एंड बी आज से जो भी यहाँ थे, इन्होंने मेन जो ऑफिस है उनका वो अवंतीपुरा शिफ्ट किया है। अब ये देखो आप, आर एंड बी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है, मैंने सुना है कोई शेड बना है जहाँ पे मिनी सेक्रेट की बेस रखी है, वहाँ पे कुछ शेड बना है उसमें रखा है, ये इनके लिए शर्म है। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इनको अपने बैठने के लिए जगह नहीं है। जब इनको अपने बैठने के लिए जगह नहीं है तो मैं कहाँ बैठूँ, वहाँ लोग कहाँ बैठेंगे? तो इनको खुद को सख्ती है, खुद पे ये करते नहीं है कुछ। यही हाल पूरे त्राल का है इस टाइम। देखो अगर मिनी सेक्रेटरीट बना होता तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। आप देखो हर एक जगह पे जहाँ भी मिनी सेक्रेटरीट दिया है वहाँ आजकल उनमें आज से चल रहे हैं। एक त्राल है जिससे सौतेली माँ का सलूक किया गया, हमारा उसमें बेस दी है, वो भी शाह साहब ने अपने MLA फंड से दी है, सरकार ने कुछ नहीं दिया अलग से उसके लिए, वो पड़ा है। इसलिए यहाँ आशीष भी दर बदर है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये सब बर्बादी BJP। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।